अस्सलामुअलैकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज वो भाई हाजिर हो जाए, वो सामने आ जाए जो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल छुआरा सा बन गया है, अजू नहीं लगता, वो बिल्कुल एक सूखा हुआ कुछ लकड़ी नुमा लगता है। यानी कि एक तो बचपन की गलतकारियों की वजह से, दूसरा ये है कि हाथ गाड़ी बहुत ज्यादा चलाने की वजह से अगर अजू बिल्कुल पीछे की तरफ डांस किया है तो उसको बाहर निकालें, क्योंकि कोबरा बनाने में अब आपको टाइम नहीं लगेगा। एक ऐसी चीज आपको मैं देने लगा हूं कि फुनकारता हुआ बाहर आएगा और शलवार में ही झुंझलाएगा। इतनी बेहतरीन चीज आज आपको मैं बताने लगा हूं। बड़े गौर से दोस्तों आपने सुनना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं बहुत ही मेहनत के साथ ये नुस्खा ढूंढ के लाया हूँ। कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है, बहुत ही सादा और आसान नुस्खा है। सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल ये नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा थोड़ा गर्म है, लगाने से पहले आपने किसी मुस्तनद हकीम से राय जरूर लेनी है, अपना मिजाज चेक करवा के इसको लगाना है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि नुस्खा आपने बहुत गौर से सुना है, क्योंकि फिर बाद में आप कहते हैं जी कि नुस्खा समझ नहीं आया। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको नुस्खा समझ आएगा। तो आइए फिर जल्दी से नुस्खा सुन ले दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। नुस्खा सुन ले दोस्तों, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने बताया, आपने सबसे पहले क्या करना है, कबूतर का अंडा लेना है। कबूतर का अंडा साइज में छोटा होता है, मुर्गी के अंडे की निस्बत छोटा होता है। आपने एक अदद कबूतर का अंडा लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक आपने मिलाना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और शहद में मिलाकर आपने अजू पर लगा लेना है। जिस तरह आप ये लगाएंगे साथ ही उसकी जो सख्ती है वो आना शुरू हो जाएगी। पहले आपने क्या करना है, उसकी एक फोटो बनानी है, फिर उसके बाद आपने इसको रोजाना इस्तेमाल करना है। बेहद मुमसिक और टाइमिंग में इस तरह इजाफा करेगा जिस तरह हक होता है। तीन चार बारियां अब कुछ भी नहीं, बल्कि आप चार बीवियां हैं आपकी तो आप उनके साथ भी चार बारियां लगा सकते हैं। ताकत में कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही बेहतरीन चीज आज मैंने आपको बता दी है। बिस्तरी करने से एक घंटा कबल आपने जो है ये इस्तेमाल कर लेना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह के नुस्खे जाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके और वो मुस्तफीद हो सके। मुझे अब दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।